हाशिमारा रेल स्टेशन ट्रांसपोर्टेशन का बड़ा माध्यम होने जा रहा है। इस जगह भारत के कोने कोने से सामानों को सीधा भेजने की शुरुआत कर दी गई है। आज चेन्नई से करीब 27 वाहनों को ट्रेन के माध्यम से यहां हाशिमारा लाया गया है, जिसे आज भूटान के लिए रवाना कर दिया गया है। हाशिमारा में आरंभ किए गए इस सेवा से भूटान में भारत के विभिन्न राज्यों से आने वाले सामानों के समय में काफी बचत होगी। आपको बता दें कि इस जगह ट्रेन ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा इससे पहले नहीं रहने से भारत से आने वाले सामानों को भूटान में सड़क मार्ग से लाया जाता है, जिससे काफी समय लगा करता है और जिससे लागत भी अधिक लगा करता था। इधर अब जब हाशिमारा से ही सामानों के लाने की व्यवस्था किया जा रहा है, तो इससे भारत के साथ भूटान का कारोबार और अधिक बढ़ने के असर नजर आ रहे हैं। इधर अलीपुरद्वार के DRM दिलीप कुमार सिंह ने कहा कि हाशिमारा रेलवे स्टेशन अब ट्रांसपोर्टेशन का मुख्य होम होने जा रहा है। इस जगह देश के कोने कोने से सामानों को उतारने की व्यवस्था की जा रही है। हाशिमारा स्टेशन को बढ़ाने के लिए स्टेशन को विस्तार किया जा रहा है। पास में ही ऑयल इंडिया का जो जगह है, वहाँ पुराने बिल्डिंग को तोड़कर नया बिल्डिंग बनाया जा रहा है। इसी तरह गोदाम निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब जब भूटान गेट खुल गया है, तो रेलवे ट्रांसपोर्टेशन की शुरुआत अच्छी है। उन्होंने कहा कि हाशिमारा रेलवे स्टेशन के विस्तार होने से भूटान के साथ ही आसपास के क्षेत्रों में भी सामानों के ट्रांसपोर्टेशन में लोगों को सुविधा मिलने वाली है। ये एक चेन्नई से जो है ऑटोमोबाइल का एक रेक फर्स्ट टाइम आया है हाशिमारा में, जिसमें आपका फोर व्हीलर लोडेड है और ये अभी बिगनिंग है। अब ये बताता है कि भूटान खुलने से कितना स्कोप है इंडिया और भूटान के बीच में बिजनेस का, और डेफिनेटली पूरे हिली एरिया में मूव करने के लिए हर तरह का व्हीकल चाहिए। तो हाशिमारा को हम लोग डेवलप करते जा रहे हैं, हाशिमारा साइडिंग को एक्सपेंशन कर रहे हैं। ओल्ड जो ऑयल इंडिया का बिल्डिंग था, उसको हम लोगों ने जो पुरानी बिल्डिंग को तोड़कर नया एक्सपेंशन कर रहे हैं। फुल फ्लेजेड साइडिंग बना रहे हैं, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के साथ मिलकर हम लोग वहाँ एक गोडाउन भी क्रिएट करेंगे और एक रैम्प टेम्प्रेरी बनाकर हम लोगों ने ऑटोमोबाइल की अनलोडिंग को हैंडल किया है। और ये बहुत अच्छी शुरुआत है, अभी भूटान कुछ दिन हुए ओपन हुए, बट बिजनेस का वॉल्यूम जो है डे बाई डे बढ़ता जाएगा ऐसा लग रहा है। तो कितने सर कुल मिलाकर कितने गाड़ियाँ आज आई हुई है? वो एक टिपिकल रेक जो है जिसमें 42 वैगन्स होता है, और हर वैगन में डिपेंड करता है किस साइज़ की गाड़ी है, 2 से 4 गाड़ी रहती है। तो आप ये समझ सकते हो कि चेन्नई से जो है अराउंड मोर देन 100 व्हीकल एक साथ जो है हाशिमारा में पहुँच गई है। तो इस तरह की चीज़ें डिफरेंट लोकेशन से मूव करेगी जो भी है। और इनफैक्ट आज जब हम लोगों ने NTPC सालाकाटी के साथ डिस्कशन किया है, जो इनका बाई प्रोडक्ट क्रिएट होता है वो भूटान सीमेंट फैक्ट्री में कैसे यूज हो, और हम लोग अब पूरी मैपिंग करेंगे भूटान की जो फैक्ट्रीज हैं उनको क्या रॉ मटेरियल चाहिए, उसको हम लोग प्रोवाइड करेंगे, और जो उनका फिनिश प्रोडक्ट है वो भी हम लोग फुंसलिंग और हाशिमारा डलगांव का यूज करते हुए, बीनागुड़ी का यूज करते हुए हम लोग सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो आज सर कितने रेलवे डिवीजन लोडिंग में ज़्यादा होता है, अनलोडिंग में प्रोपोर्शनेट कम होता है, बट इस ऐसी चीज़ों को करने से जो है ओवरऑल इंडियन रेलवे को प्रॉफिट होता है। और हम लोगों ने हर तरह के प्रोडक्ट के लिए हाशिमारा और उन चीज़ों को ओपन कर दिया है, तो कोई भी प्रोडक्ट जो आप कहीं से भी लाना चाहते हो फॉर अलीपुरद्वार हाशिमारा एरिया या भूटान के लिए, तो वो वेंडर बुकिंग करा सकते हैं। तो और कितने गाड़ियां पर आएंगे? और नहीं, अभी तो बिगनिंग है, अब ये डिपेंड करता है कि जो भी भूटान से रिलेटेड लोग हैं वो ऑर्डर देंगे। ये हम लोगों ने एक डिमॉन्स्ट्रेशन किया है कि चीज़ों की फिजिबिलिटी है, और जैसे एक को हम लोगों ने सर्विस दिया है डेफिनेटली, और बाकी बिजनेसमैन और बाकी एरिया के लोग जो है इसको देखने के बाद अपना ऑर्डर डालेंगे, और उस ऑर्डर में हम लोग इन्वॉल्व रहेंगे अपने उसमें।
বেশ কিছু গাড়ি এসেছে তো আপনাদের উপর কি দায়িত্ব আছে যদি বলেন আমার দায়িত্ব হলো এই ট্রেনটা এখানে খালি করা তারপর এটা জিএসটি মোড়ে পার্কিং আছে ওখানে আমরা ডেলিভারি দিয়ে দিব তারপর ভুটানের ড্রাইভার আসবে ওরা এটা গাড়ি থেকে নিয়ে যাবে জিএসটি মোড় থেকে নিয়ে যাবে আচ্ছা ওখানে পার্কিং এ রাখবে আজকে কি পাঠিয়ে দেবেন হ্যাঁ আজকে আমরা এখান থেকে সব গাড়ি পাঠিয়ে দিব জিএসটি তে পার্কিং এ থাকবে তো এখান থেকে ভুটান আজকে 28টা গাড়ি চেয়েছে তো আজকে আমরা ওখানে 28টা ডেলিভারি দিয়ে দিব আর বাকিগুলো বাকি কালকে যারা নেবে কালকে 32 নেবে আর পরশু দিন ছুটি আছে তো আপনারা আজকে এখান থেকে সব পাঠিয়ে এখান থেকে আমরা সব পার্কিং ভাড়া ওখানে এখানে সেফটি ব্যাপার আছে তারপরে টোটাল কটা টোটাল গাড়ি এসেছে 75 এমনি রেলের কোনো বড় অফিসার এসেছেন কালকে রাতে সেরকম কেউ আসেনি গুডস অফিসার শুধু এসেছিলেন আর কালকে কখন ঢুকলো ট্রেনটা কালকে রাতে 10টার পরেই ঢুকে কি নাম আপনার আমার নাম হলো মনোজ স্যার এই কন্ট্রাক্টর হ্যাঁ আমি এটা কন্ট্রাক্টর এটা হ্যান্ডলিংটা আমি করছি কত লোক কাজ করছে আপনার আমার মোটামুটি 40-50 জন কত ঘন্টা টাইম লাগবে আনুমানিক আনুমানিক এটা 5 ঘন্টা লাগবে আমার আনলোডিং করতে।